आज हम एक हेयर पैक बनाएंगे, मतलब हेयर मास्क भी। तो सबसे पहले हमको एक बॉल और एक बड़ी चम्मच और एक छोटी चम्मच दही के लिए, और फिर एक किसके लिए, इसके लिए चाहिए होगी चम्मच। तो हमें तीन चम्मच चाहिए होंगी, वन बॉल चाहिए होगा बड़ा सारा एकदम। फिर हमको प्याज का रस, नींबू, दही और मुल्तानी मिट्टी चाहिए होगी। तो उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी डालेंगे हम, और हम उसको, मैं अभी 4 स्पून डाल रही हूँ, आप देख लेना आपको कितना डालना होगा। बस शुरुआत हम 4 स्पून से करेंगे, वरना ओवर ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। उसको फ्लैट कर लीजिए ताकि आप श्योर हो कि 1 स्पून हो जाए। यानी एक स्पून हो गया है, हम इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ही है और वैसे भी अच्छी ही होती है, कुछ बुरी चीज़ नहीं है इस मुल्तानी मिट्टी में। बड़ा आप ट्राई कर सकते हैं बनाने में, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ मैंने अभी 2 स्पून डाल दी है, अभी मैं 3 स्पून डालने वाली हूँ, और 3 स्पून मेरी हो गई है। अब हम लास्ट 1 स्पून डाल के देखते हैं। बड़ा भी इसको मिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होएगा, क्योंकि हमने इसमें और कोई इंग्रीडियंट डाला ही नहीं है। तो अब हम ऐसे करके, गुड गुड जॉब होने के बाद हम मुल्तानी मिट्टी को साइड में रख सकते हैं, चाहिए हो तो मोड़ ले सकते हैं। उसके बाद हम दही डालेंगे, 4 स्पून चाहिए होगी, छोटी चम्मच ली है मैंने, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, और अगर और चाहिए तो हम बाद में देखते हैं मिक्स करके। दही डालेंगे 1 स्पून, बर 2 स्पून, वापस 3 लास्ट में, और फिर 4th स्पून मेरी लास्ट हो गई है, छोड़ देंगे। और उसको मिक्स करने की कोशिश, पहले ये डाल देंगे इसमें, सारा डाल देंगे जितना हमने लिया है। उसके बाद हम नींबू का रस डालेंगे, जितनी ताकत से इसको स्ट्रेच कर सकते हो करना है, बट उससे पहले आप सारे बीजों को निकाल दीजिए, क्योंकि बीज कुछ हेल्दी नहीं होता है, ना तो बेल्दी होता है, कुछ नहीं होता उनमें। तो ये और इसको अच्छे से निकाल देना है ताकि आपका कोई बीज ना बचे। बस लास्ट बीज है, उसको निकालने के बाद हम अपने मुल्तानी मिट्टी जैसे इसको स्ट्रेच कर देंगे, इन नींबू के रस को एकदम अच्छे से भर भर के निकालिएगा ऐसे। और थोड़े देर में आपके और भी बीज निकल सकते हैं, तो फिर आप थोड़े देर में उसका ध्यान रखिएगा कि आप निकाल दीजिए, एक बार निकालने से ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसलिए। अब देखिए जी, मेरा नींबू एकदम अच्छे से फट गया है, और उसके बाद अब हाथ तो बाद में ही धोने, बट पहले मिक्सिंग करना है हमको, और फिर देखेंगे हम कि हमारा कितना अच्छे से हमारा हेयर पैक बना होगा। बहुत ज़्यादा वो हो गया इसमें, काश हाथ से मैं मिक्स कर पाती, थोड़ा सा और अच्छे से हो जाता। एंड अभी और दही जो लग रहा है, क्योंकि बहुत हार्ड है उसको वो करना, सो बेसिकली हम 1 स्पून डाल के देखते हैं कि हमको और कितना चाहिए होगा। और इसको कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप दही डालते रहना, एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं इतना अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम दही और डालेंगे 1 चम्मच, तो 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है। तो आई एम जस्ट गोना मिक्स इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड मिक्सिंग। उसको एकदम अच्छे से मिक्स करिए जब तक आपका बैटर ना मिल जाए, इतना भी अच्छा बैटर नहीं चाहिए होगा। देख सकते हैं आप कैसा बना है वो, थोड़ा सा और अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए, तो वो थोड़ा सा और अच्छे से सीरल हो जाएगा।
आपको कैसा लगा मेरा बैटर? खत्म नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा और दही चाहिए होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 2 स्पून्स, 1 स्पून, 2 स्पून। मैं इसलिए कह रही थी कि अपनी एक स्पून को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अगर आप स्पून नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना दही डाला है, और वो नहीं पता चलने से आपका बैटर खराब हो सकता है। आप कीप दही डालते रहिएगा जब तक आपका बैटर एकदम स्मूथ नहीं हो जाए, जैसे मेरा तो स्मूथ हो ही गया है, बट स्पून पे चिपक गया है। तो उसके बाद अब हमारा बैटर बहुत अच्छे से मना है। मैं अपने हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और अभी मुझे समझ आया कि इसमें थोड़ा सा दही डलने वाला है। आई एम जस्ट गोना टेक इट आउट ऑफ माय हैंड्स एंड नाउ आई एम गोना जस्ट टेक आउट सम दही, 1 स्पून एंड 2 स्पून। और मैं आपको कुछ बता देती हूँ, मैंने सोचा तब तक ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूँ, तो कि अब मेरी मम्मा इसको मुझे लगाने वाली है जब ये ठीक हो जाएगा उपटन एकदम। अब लग रहा है देखो कितना सॉफ्ट लग रहा है, बट उसके बाद आपको इसको आधे घंटा के लिए लगा के रखना है एकदम जोश से एकदम, ठीक है? आधे घंटा के बाद लगाने के बाद आप इसको धो सकते हैं, आपके बाल स्मूथ बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो प्याज से हमारे बाल बहुत हैवी हो जाते हैं, एज यू नो, जैसे मुल्तानी मिट्टी से भी हमारे बाल बहुत हैवी हो जाते हैं इसलिए। और नींबू से जो हमारे बाल होते हैं ना, उनमें जो शाइन होती है ना, वो डबल शाइन आ जाती है, शाइन आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो और जो दही होता है वो उससे हमारे बालों की जो वो होती है ना डैंड्रफ, वो हट जाती है, एंड यू विल हैव नो डैंड्रफ लेफ्ट इन योर हेयर। और दही से हमको बहुत अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट्स भी मिलती है, जैसे मुल्तानी मिट्टी के लिए एक्चुअली ये उसमें बहुत अच्छी अच्छी न्यूट्रिशंस होती हैं। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी दादी की दादी से पूछ लो, और अपनी दादी से भी पूछ लो कि वो लोग लगाते थे या नहीं लगाते थे मुल्तानी मिट्टी। देर प्रॉब्ली टेल यू कि वो बनाती मिट्टी लगाते थे। तो आप होप कि आपको समझ आया हो क्यों लगाना चाहिए, किस लिए लगाना चाहिए, तो कैसे बनाता है उसको। एंड आई होप लेट्स गेट स्टार्टेड, बाय बाय। And now I'm looking like a chicken from my front of hair. Chick, chick, chick. So I put it really nicely, and we even put it on my dad's face and even on my mom's face. And now my dad's going bathing. Now he's gonna wash off his face. And after him, after half an hour, he's gonna come out. And then I'm gonna wash up my hair. And then I look normal, not like a chicken. So you can see it's not dried. I've just put it right now. And I like the look of a chicken. Now look at my hair. Doesn't it look beautiful? It's awesome.